बीजेपी। ऐसा क्यों? हम उन्हीं को ही देते हैं शुरू से ही। आपने ग्रो तो देखी है, है मोदी जी की ग्रो, बीजेपी ऑब्वियसली, आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों? कौन सी पार्टी को चुने? कोई पार्टी में काम ही नहीं करती, किसको चुने? युवा वोटर्स की लोकसभा चुनावों को लेकर राय क्या है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। देश में आने वाला लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाताओं की हिस्सेदारी वाला चुनाव होने वाला है, जहां भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का नतीजा बताता है कि इस बार 6% नए वोटर्स जुड़े हैं। आयोग के आंकड़े के मुताबिक 18 से 29 साल उम्र वर्ग में 2 करोड़ नए मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में इन वोटर्स का मूड जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये किसे अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, इनके मुद्दे क्या है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। सर, 2024 लोकसभा चुनावों में आपकी कौन सी पार्टी पहली प्राथमिकता पे होगी? बीजेपी। ऐसा क्यों? हम उन्हीं को देते हैं शुरू से ही, उनकी सब चीज अच्छी लगी है, सब हमारे लिए सही, सब सही करा उन्होंने। 2024 लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को प्राथमिकता देना चाहेंगे? बीजेपी ऑब्वियसली। आपने ग्रो तो देखी है, है मोदी जी की ग्रो, इवन इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट और इंडियंस की बहुत वैल्यू बढ़ गई है नाउ करंट टाइम। सर, आने वाले चुनावों में आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी अच्छी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है हमारे लिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है हमारे लिए। सर, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जेल में हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल? तो वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है, वो अभी प्रूव नहीं हुआ है पूरा, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि चुनावों से पहले वो बाहर आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे, लगता है, पूरा भरोसा है। आपको क्या लगता है, आप किसको वोट डालना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? मतलब वही सेम रीज़न जो भाई ने बताया अभी, सब चीज़ों में यही है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जेल में। बट 4 मंत्री आम आदमी पार्टी के जेल में है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया है तभी उनको रिमांड पे रखा गया है या बेल नहीं मिल रही है? वो तो हर कोई चले जाता है जेल में तो जाने में, आजकल तो सब ऐसे उठ के चले जाते हैं कोई भी। आपने कामकाज देखा होगा तीनों सरकारों का, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, फिर भी आपकी प्राथमिकता में अभी कौन सी पार्टी होगी? आम आदमी। आम आदमी। ऐसा क्यों? बिजली पानी फ्री करा रखे, और क्या चाहिए? कौन सी पार्टी को चुने? कोई पार्टी में काम ही नहीं करती, किसको चुने? नौकरियाँ है नहीं लोगों के पास, नौकरी तो है नहीं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, हम लोग खुद काम ढूंढ रहे हैं, तो किसको डाले बोले? बोल डाले का कोई फायदा तो डाले भी। लोकसभा चुनावों में कौन सी पार्टी को प्राथमिकता देना चाहेंगे? एज यूजुअल बीजेपी। आपको ऐसा क्या उनका कामकाज अच्छा लगता है कि आप एक बार फिर से उन्हें चुनना चाहेंगे? क्योंकि मुझे दिख रहा है, आई मीन आई कैन सी द बेसिक एमिनिटीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग एंड दे हैव देयर फ्यूचर प्लान्स, सो दैट व्हाट्स उनके फ्यूचर प्लान दिख रहे हैं, उन्हें इतने सारे ट्रीटीज, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके G20 समिट्स में मुझे काफ़ी दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई गो फॉर इट। आप किसको वोट डालना चाहेंगे? अभी तो आई थिंक बीजेपी इज़ गुड, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करा है सभी जगह, सो आई बिलीव इस टाइम तो बीजेपी है, बाकी कोई और ऑप्शन भी नहीं है अभी, बीजेपी ने जितना करा है वो अच्छा ही है, सो आई फुली बीजेपी को ही देंगे हम लोग। हालांकि अब देखना ये होगा कि देश के सिंहासन पर ये युवा वोटर्स किसको विराजमान कराते हैं। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।